अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वीट एंड सीरीज़ बाय शेफ सुमेरा। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। थैंक यू सो मच आप लोग जो मुझे फ़ीडबैक दे रहे हैं, मेरी रेसिपीज़ को पसंद कर रहे हैं। आई रियली अप्रिशिएट अ लॉट। इसी तरह से आप मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को क्विक एंड ईजी अच्छी अच्छी डिफरेंट रेसिपीज़ बनाकर बताऊँ। एक चीज़ अगर आप लोग कर सकते हैं सो इट्स रियली गोइंग टू बी अ प्लेजर। आप लोग जहाँ जहाँ से मुझे दुनिया में मैसेजेस कर रहे हैं तो साथ में प्लीज़ लिख दिया करें कि आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं और हमारी रेसिपी को पसंद कर रहे हैं। आज बनने तो जो जा रहा है वो आता सबको शायद होगा, जिस तरह मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं थोड़ा सा एक वेरिएशन करके थोड़ा सा एक ट्विस्ट डाल के चीज़ों को बनाने की कोशिश करती हूँ, ओनली कि आप अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, लव्ड वंस को खुश कर सकें, उनको आप एक नई चीज़ नए तरीके से दे सकें। तो आज जो हम बना रहे हैं वो है सिजलिंग ब्राउनी। इसमें ट्विस्ट क्या है कि आई विल बी बेकिंग देम इन अ पैन which is in a wedge shape. So basically what we are doing today is sizzling brownie wedges. अब आप कहेंगे कि अगर ये मेरे पास पैन नहीं है तो हम क्या करें, कोई मसला नहीं है। जो हम जिस तरह इसी तरह के स्क्वायर 9 इंच पैन में हम ब्राउनीज़ बनाते हैं, आप उसी में बनाएंगे और आप वेजेस में इसको काट लेंगे। आपको इतनी मेहनत नहीं करनी, आप ना करें, आप स्क्वायर में काट लें, स्क्वायर में बना के स्क्वायर में काट लें, दिस इज़ इंटायरली अप टू यू। मुझे लगा कि ये अच्छी चीज़ है, नई चीज़ है, तो आई वॉज वॉन्टिंग टू शेयर इट विद यू। सेकेंडली दिस इज़ अवेलेबल ऑनलाइन। आपको पता है ऑनलाइन का ज़माना आ चुका है, ये ऑनलाइन अवेलेबल है, यू कैन ऑलवेज ऑर्डर इट ऑनलाइन। इसके साथ मैं जो सिजलिंग ब्राउनी के साथ आपको एक और रेसिपी दे रही हूँ आज, दो रेसिपीज़ हैं, वो है चॉकलेट सॉस की। तो हम चॉकलेट सॉस भी आपको बनाना बताएंगे। क्विक एंड ईजी बनने वाली चॉकलेट सॉस है, इसको आप बॉटल में भर के रख सकते हैं। यू कैन यूज़ फॉर योर संडेज, फॉर योर आइसक्रीम्स, फॉर योर ब्राउनीज, हाउ एवर यू लाइक इट। ठीक है, तो सबसे पहले अच्छा करना क्या है, सारे इन्ग्रीडियंट्स चॉकलेट सॉस के सॉस पैन में एक डालकर और हम इसको चूल्हे पर कुक करेंगे। ये पहले मैं रख दूंगी चूल्हे पर कुक करने के लिए, इसके बाद फिर हम ब्राउनीज बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें चॉकलेट सॉस के लिए चाहिए कैस्टर शुगर 1/2 कप, बेकिंग इज़ वन थिंग जिसको यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन मेजरमेंट्स। आप सबको ये बात पता होगी, ठीक है ना। तो बेकिंग में, कुकिंग, नॉर्मल देसी कुकिंग में काम चलाओ चल जाता है मेजरमेंट वाइज, बेकिंग में नहीं चलता। क्रीम इसमें जाएगी 2/3 कप। अच्छा, इसमें जो कोको पाउडर जाएगा वो आप सीव करके डालेंगे, छान के डालेंगे, ठीक है। तो मैंने छना हुआ ही रखा है कोको पाउडर, यहाँ पर मेरे पास है 1/3 कप, ये मेजर्ड है, ठीक है। अच्छा, कुकिंग चॉकलेट इसमें जाएगी 100 ग्राम्स, 100 ग्राम्स कुकिंग चॉकलेट। ये थोड़ी सी ज़्यादा है, इसको मैंने बचा लिया है बिकॉज इसको हमने ब्राउनी में भी ऐड करना। अब इसमें जाएगा वनीला एसेंस 1 टीस्पून, और इसमें हम ऐड करेंगे बटर 2 ounces, 2 tablespoons। पिंच ऑफ सॉल्ट, ठीक है। अब ये सारी चीज़ों को एक साथ आपने एक सॉस पैन में डाल दिया और अब हम इसको रखेंगे अपने स्टोव पर मीडियम हीट पर, ताकि ये अच्छी सी हमारी थिक सी चॉकलेट सॉस रेडी हो जाए। मैं जा रही हूँ उसको अब चूल्हे पर रखने। देखें, इसको मैंने मीडियम हीट पर रख दिया है, ज़्यादा इसको मैं अभी हिलाऊंगी नहीं, कुछ भी नहीं करूँगी, बस इसी तरह इसको रखेंगे। ये खुद ही जब चॉकलेट मेल्ट होगा तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अबाउट 5 to 7 मिनट्स में ये बहुत ही मज़े की आपकी चॉकलेट सॉस बनके रेडी हो जाएगी। ये देखें, सॉस बनके रेडी हो गई है। इसको आपने छेड़ना नहीं है, जब सारे इंग्रेडिएंट्स हम इसमें डाल देंगे उसके बाद बस इसको इतनी देर कुक करना है कि ये सारी चीज़ें एक साथ मिक्स हो जाएं। उसके बाद जब ये मिक्स होंगी तो आप इसको स्टर करोगे। ये कंसिस्टेंसी, ये देखो, इस कंसिस्टेंसी की होनी चाहिए। एट एनी पॉइंट इफ़ यू फील कि ये थिक हो गई है और पोरिंग कंसिस्टेंसी इसकी नहीं है, सो यू कैन ऑलवेज़ ऐड 2 more tablespoons ऑफ क्रीम या दूध। और बस इसको आपने अब चूल्हे से उतार के और आप इसको साइड में रख दोगे। इसको हम यूज़ करेंगे
आज हम ब्राउनीज़ में यूज़ करेंगे। वैसे मैंने आपको बताया था कि आप इसको बॉटल भर के एयरटाइट बॉक्स में रख सकते हैं एंड यू कैन यूज़ इट फॉर योर संडेज और हाउ एवर यू लाइक। अब हम यहाँ पर बनाएंगे ब्राउनीज़। ब्राउनीज़ बनाने के लिए दो स्टेप्स हैं। एक, यहाँ पर मुझे ड्राई इंग्रेडिएंट्स चाहिए। इसके लिए मुझे चाहिए 3/4 कप एंड 2 टेबल स्पून ऑफ फ्लावर। ये सीव्ड फ्लावर है, ठीक है। इसके अंदर मैं डालूंगी पिंच ऑफ सॉल्ट, बेकिंग पाउडर 1/4 टीस्पून, पाउडर नॉट सोडा, ठीक है। ये ड्राई इंग्रीडियंट्स हमारी तीनों चीज़ों से बन गए, फ्लावर, बेकिंग पाउडर एंड पिंच ऑफ सॉल्ट। अब इसको मैं एक साइड पर रखूँगी। यहाँ पर मैं अपने एक और सॉस पैन में ऐड करूँगी चॉकलेट, कुकिंग चॉकलेट 100 ग्राम्स, बटर 6 ounces और इसमें जाएगा 3 tablespoons एनी कुकिंग ऑयल, ठीक है। ये ऑयल चला गया। अब ये सारी चीज़ों को हम कुक करेंगे इतनी देर के बटर और चॉकलेट मेल्ट हो जाए। जब बटर और चॉकलेट मेल्ट हो जाएगा फिर हम चूल्हा बंद करके इसमें हम रिमेनिंग इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। ये यहाँ पर देखें मेल्ट हो रहा है चॉकलेट और बटर और ऑयल, बस ये ऑलमोस्ट हो गया है। जब ये पूरा मेल्ट हो जाएगा इसको मैं ओवरटर्न करूँगी एक बोल में और फिर हम उसमें बाकी इन्ग्रीडियंट्स डाल के बीट करेंगे। ये देखें ये मेल्ट हो गया चॉकलेट बटर और ऑयल, इसको मैं टर्न करूँगी अपने बोल में। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बोथ शुगर्स, इसमें जाएंगी दोनों चीनी, इसमें जाएगी ब्राउन शुगर और इसमें जाएगी ग्रैनुलेटेड वाइट शुगर, दोनों एक एक कप जाएगा, ठीक है। वन कप वाइट शुगर, ये मेजर्ड ही है बट आई जस्ट वॉन्ट टू बी श्योर बिकॉज आई टोल्ड यू बेकिंग में वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर, ठीक है। वन कप ब्राउन शुगर, वन कप वाइट शुगर, इसको अब मैं बीट करूंगी। यू कैन ऑलवेज यूज अ विस्क, अगर बीटर की फैसिलिटी नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप हैंड जो हमारा विस्क होता है उससे भी इसको कर सकते हो। सो अब ब्राउनी बन रही है, ब्राउनी में गया, अब इसके ब्राउनी के इसमें चॉकलेट है, बटर है, ऑयल है जिसको हमने मेल्ट किया था। उसके बाद इसमें हमने ऐड किया 1 कप ब्राउन शुगर एंड 1 कप वाइट शुगर। जब ये अच्छे से बीट हो जाएगा फिर मैं इसमें ऐड करूँगी 3 eggs रूम टेम्परेचर पे, यहाँ पर पड़े हुए eggs 3 1 by 1, दो चले गए, ये तीसरा चला गया 1 by 1, ठीक है। फिर इसको बीट करके अब हम इसमें फोल्ड कर देंगे हमारा फ्लावर का ड्राई मिक्सचर। इसमें मैंने ऐड कर दिया जो हमने ड्राई फ्लावर का मिक्सचर बना के रखा था जिसमें था फ्लावर, बेकिंग पाउडर एंड सॉल्ट। अब मैं ये मशीन को यूज़ नहीं करूँगी, अब मैं इसको फोल्ड करूँगी। लास्ट में इसमें मैं डालूँगी 1/2 teaspoon वेनिला एसेंस और अब ये जाएगा हमारे पैन में। अच्छा ये देखें, ये हमने इसको अपने पैन में डाल दिया। यहाँ पर ये एक मेरे पास सेरेमिक का पैन है, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बिकॉज अगर आप चाहें सो यू कैन डायरेक्टली पोर योर ब्राउनी मिक्सचर इन दिस और फिर आप इसी के ऊपर सर्व कर सकते हो। ये आराम से आपके टेबल पर जा सकता है बट मैंने यहाँ पर ये भी रखा हुआ है, मैं सिज़लर में इसको सर्व करूँगी। सिज़लिंग ब्राउनी है तो आप सिज़लर में सर्व करोगे, अच्छा लगता है। सिज़लर को गर्म करके चॉकलेट सॉस सिज़ल करती है बट अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है, घर में बच्चे हैं तो यू कैन ऑलवेज़ यूज़ दिस ऑप्शन। इसमें फ़र्क सिर्फ ये होगा कि चॉकलेट सॉस गर्म नहीं होगी, सिज़ल नहीं होगी, बट ये ओवन प्रूफ डिश है, ये डायरेक्ट ओवन में जाएगा। आप ब्राउनी का मिक्सचर इसमें डाल के डायरेक्ट बेक करें, इसके ऊपर वेनिला आइसक्रीम सर्व करके और चॉकलेट सॉस ड्रिज़ल करके यू कैन सर्व इट। जी ब्राउनीज़ हमारी रेडी हो गई हैं। इसको मैंने बेक किया था 180 डिग्रीज पे नंबर 4 पर 30 मिनट्स के लिए, ठीक है। 180 डिग्रीज नंबर 4 30 मिनट्स के लिए ब्राउनीज़ को बेक किया, बहुत अच्छी बेक हो गई है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। सर्विंग के लिए यहाँ पर मेरे पास मेरी चॉकलेट सॉस थोड़ी सी थिक हो गई थी, इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, सिर्फ गर्म कर लिया। गर्म कर लिया तो ये अपने नॉर्मल कंसिस्टेंसी पर आ गई। यहाँ पर मैंने सिज़लर को
गरम कर लिया है, सिजलिंग ब्राउनी है। ऑब्वियसली आपको पता है कि ये गरम होगा तभी जब इसमें चॉकलेट सॉस जाएगी तो ये सिजल करेगा। अच्छा, दूसरा ऑप्शन भी मैं आपको बताऊंगी, जिन लोगों के पास सिजलर का फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, वो सेरेमिक के बोल में, सेरेमिक के डिश में या सेरेमिक के प्लेटर में, जिस तरह आपके पास अवेलेबिलिटी है उसमें आप ब्राउनी को कैसे सर्व करेंगे। चलते हैं अपनी सर्विंग की तरफ। जी, अब मैं सबसे पहले डेकोरेट करूंगी बगैर सिजलिंग वाला प्लेटर। ठीक है, इसमें हमने ब्राउनीज़ को अरेंज कर दिया। आप देखें ब्राउनीज़ कितनी खूबसूरत लग रही हैं। इसके ऊपर जाएगा 2 स्कूप आइसक्रीम, या आपको जितना डालना है आप आइसक्रीम डाल सकते हो। बिकॉज़ ये बड़ा प्लेटर है तो इसमें मैंने 2 स्कूप्स आइसक्रीम डाले हैं। इसके ऊपर अब हम अपनी फज सॉस को ड्रिजल करेंगे और फिर इसको हम डेकोरेट करेंगे चेरी से। दिस इज़ इंटायरली ऑप्शनल, आपकी मर्ज़ी है। आप इसमें चॉकलेट वेफर भी लगा सकते हो, जिस तरह आपका दिल करे यू कैन यूज़ इट। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर जस्ट टू ऐड सम कलर, ये विदाउट सिजल वाला हमारा प्लेटर रेडी है। अब मैं रेडी करूँगी सिजलिंग वाला प्लेटर। हमारा गरम वाला सिजलर, यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, ये बहुत गरम होता है। इस पर मैं रखूँगी ब्राउनी के 2 पीस और आइसक्रीम से पहले हम डालेंगे चॉकलेट सॉस सो दैट ये सिजल करे। ठीक है, और फिर हम इसके ऊपर डालेंगे वेनिला आइसक्रीम। बिकॉज ये इंडिविजुअल सिजलर है तो इसके ऊपर मैं डालूंगी 1 स्कूप आइसक्रीम और इसको हम डेकोरेट करेंगे चेरी एंड वॉलनट। तो ये रहा आपका सिजलिंग ब्राउनी वेट सिजलर। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।